गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, संधि में आपने आज विसर्ग संधि विषय अभ्यास करीशु। गया लेक्चर में आपने व्यंजन संधि विषय माहिती मेळवी छे, एमाना जे नियमो छे ते पण आपणे जोई गया छे। स्वर संधि में पण तेना बन्ने प्रकार सजातीय संधि अने विजातीय संधि बन्ने विषय जोई गया छे। हवे आज आपणे विसर्ग संधि विषय चर्चा करीशु। तो विसर्ग संधि कोने कहेवाय पहेला ए जोईए के विसर्ग पछी स्वर के व्यंजन आवे अने संधि बने त्यारे विसर्ग संधि थई कहेवाय। एटले विसर्गना पछी स्वर के व्यंजन आवे अने संधि बने, एटले जो जोड़ाय छे विसर्गना पछी कोई पण स्वर के व्यंजन एकबीजाथी जोड़ाय छे त्यारे विसर्ग संधि बने छे अथवा विसर्ग संधि थई एम कहेवाय छे। तेना पण नियमो छे, आमा नियम थोड़ा ओछा छे अने बहु सरळ छे, तो आपणे नियम तरफ ज आगळ वधीशुं। विसर्गनी पहेला अस्वर होय अने विसर्ग पछी अस्वर के घोष व्यंजन आवे तो विसर्गनो ओ स्वर मुकाय। एटले के विसर्गनी पहेला, एटले अहींया जो के आनी पहेलानी वात छे, आ विसर्ग छे एना पहेला अ स्वर होय के विसर्ग पछी अस्वर होय, अहींया पहेला शुं छे मनी साथे हतो भळेलो ज कहेवाय, एटले अस्वर होय अथवा विसर्ग पछी अ के घोष व्यंजन आवे तो विसर्गनो ओ थई जाय। आपणे जोयुं के भाई घोष व्यंजनो कया छे, तो आपणे विजातीय संधिमां जोई गया छीए, जेम के ग ज ड ध झ पछी ढ ठ सॉरी ठ पछी भ ब ण न म य र ल व ह, आ बधा जे छे ए बधा घोष व्यंजनो छे। तो आ घोष व्यंजन आवे छे तो विसर्गनो ओ थई जाय, जेम के मनह वत्ता रंजन तो मनोरंजन, एटले के विसर्ग जतो रह्यो अने न नी साथे ओ भळी गयो तो मनोरंजन। एज रीते मनह वत्ता ज बराबर मनोज, एटले के विसर्ग ना पहला शू छे अहींया अ गणाय ने ननी साथे अ, त्यारबाद जोईए आपणे के अहींया ज तो एना पछी पण अ आवे छे, तो शू कह्युं छे के विसर्गनी पहला अ स्वर होय अने विसर्ग पछी अ स्वर के पछी घोष व्यंजन होय तो विसर्गनो ओ स्वर मुकाय छे, तो ज पण ए घोष व्यंजन छे। હવે આપણે આગળ ઉદાહરણ જોઈએ કે મનઃ વત્તા વિજ્ઞાન તો મનોવિજ્ઞાન, તપઃ વત્તા ધન તપોધન, અધઃ વત્તા મુખ અધોમુખ, શિર વત્તા બિંદુ એટલે શિરો બિંદુ, તેજ વત્તા ભંગ તો તેજો ભંગ। તો આ રીતે આ નિયમ છે કે ભાઈ સંધિમાં વિસર્ગની પહેલા જો અ होय अथवा विसर्ग पछी अस्वर होय के घोष व्यंजन होय तो ये विसर्ग छे एना बदला में ओ मुकवामां आवे छे। हवे आपणे जोईए नियम बे शुं कहे छे, तो के विसर्गनी पहला अ के आ सिवायनो स्वर होय, विसर्गनी पहलानी वात छे, जो आ विसर्ग छे एना पहला अ के आ सिवायनो, तो अहींया आपणे जोईए छे के अ के आ छे ज नहीं एना सिवायनो छे, तो विसर्गनी पहला अ के आ सिवायनो स्वर होय अने विसर्ग पछी स्वर के घोष व्यंजन आवे तो विसर्गनो र मुकाय छे। ने विसर्गनी पछी कोई स्वर होय अथवा घोष व्यंजन होय तो आपणे जोईए के भाई घ छे के पछी य छे के ब छे तो शुं छे घोष व्यंजन छे, तो विसर्गनी पहला अ के आ सिवायनो कोई पण स्वर होय अने विसर्ग पछी स्वर के घोष व्यंजन होय तो विसर्गनो र मुकाय छे। तो जोईए निहि वत्ता अंतर तो निरंतर र विसर्ग जतो रह्यो अने शुं थई गयुं र मुकाय छे, एटले के र अहीं आवी गयो। निहि वत्ता अंतर निरंतर, नि वत्ता अपराध निरअपराध निरअपराध, दुहु वत्ता घटना तो दुर्घटना, अहीं रनो उच्चार थाय छे रेव छे एटले आगळनी साइड आपणे र बोलीए छीए, दुहु वत्ता योधन तो दुर्योधन, दुहु वत्ता बळ तो
दुर्बल वच्चे छे दुर्बल तो आ नियम बे छे। हवे नियम त्रण विषे चर्चा करीशुं। विसर्गना जे नियमो छे विसर्ग संधिना थी बहु सरल छे, सरळताथी याद रही जाय तेवा पण छे। विसर्ग पहला अ के आ सिवायनो स्वर होय अने विसर्ग पछी र आवे तो विसर्गनो र बने छे अने पछीना व्यंजन साथे जोड़ाता पहला रनो लोप थाय छे अने विसर्ग पहलानो स्वर दीर्घ बने छे। हवे याद राखवानुं छे के विसर्गना पहला अ के आ सिवायनो स्वर होय तो आपणे जोईए के आ विसर्ग छे एना पहला शुं छे अ के आ सिवायनो स्वर छे ई छे ने नी तो अंदर ई भळे छे तो ए शुं छे अ के आ सिवायनो गणाय। विसर्ग पछी र व्यंजन आवे एटले जो विसर्ग पछी र व्यंजन आवे छे तो विसर्गनो र बनी जाय तो आ विसर्ग छे एनो र बनी जाय। हवे आपणे जोईए के अहींया पण विसर्गनो र बनी गयो, अहींया र ऑलरेडी आपेलो छे तो शुं करीशुं पछीना व्यंजन साथे जोड़ाता पहेला रनो लोप थई जाय एटले पछीना व्यंजन साथे जोड़ाता जे र छे एनो लोप थई जाय एटले के आ दूर थई जाय एटले बे र अहींया थया छे एनी जग्याए एक ज आवशे। त्यारबाद विसर्ग पहेलानो जे स्वर छे विसर्गना पहेला जे स्वर छे तो विसर्गना पहेला कयो स्वर छे हस्व ई नीनी साथे ई भळेलो छे ध्वनि संधि ध्वनि विग्रह आपणे जोई गया न वत्ता ई तो नी थाय तो अहीं जे आ ई छे ए हस्व छे एनी जगह दीर्घ थई जशे तो निहिं वत्ता रव बराबर नीरव तो जे जूट आपणे ज्यारे संधि करीए छीए त्यारे ए दीर्घ ई थई जशे। फरीथी समजीए के विसर्गनी पहेला अ के आ सिवायनो स्वर होय विसर्ग पछी र आवे तो पछीना व्यंजन साथे जोड़ाता र पहेलानो र जे छे ए लोप थई जाय एटले के आ रोगीमां जे र छे लोप थई जाय अने आनो ते निही एटले जे विसर्ग छे एनो आपणे र करी दीधो अने जोड़ाय छे त्यारे हस्व ई छे ए दीर्घ ई बनी जाय छे एटले निही वत्ता रोगी बराबर निरोगी अने एमां ન અસ્વની જગ્યાએ દીર્ઘ થઈ જાય છે એ જ રીતે નિહી વત્તા રસ બરાબર નિરસ। હવે જોઈએ નિયમ ચાર। નિયમ ચારમાં વિસર્ગની પહેલા ઈ કે ઉ હોય અને પછી ક ખ પ ક ક ખ પ ફ સોરી व्यंजनमांथी कोई पण आवेलो होय तो ते विसर्गनो श थई जाय अहीं षटकोणनो श छे तो आपणे जोईए के विसर्गनी पहेला तो आपणे आ विसर्ग लई दू विसर्गनी पहेला शुं छे ई के उ होय अहीं शुं आपेलो छे ई एटले के ई के उ होय अने पछी क ख प फ एटले का तो क होय प होय फ होय के ख होय कोई पण व्यंजन आवेलो होय तो विसर्गनो श बनी जाय एटले विसर्ग निकली जाय अने श बनी जाय तो नी वत्ता फल तो निष्फल एटले विसर्ग निकली गयो अने श बनी गयो कारण के अहींया पाछळ शुं आपेलुं छे फ क होय ख होय प होय के फ होय ए ज रीते नी वत्ता पाप तो निष्पाप नी वत्ता कलंक तो निष्कलंक ए ज रीते नी वत्ता खलन बराबर निष्खलन। तो आ रीते जे नियम छे के तमारे फक्त एटलू याद राखवानुं छे के विसर्गना आगळ ई के उ होय अने पाछळ क ख प के फ होय तो आपणे ज्यारे एने जोड़ीए छीए वर्णोने संधि करीए छीए त्यारे विसर्गने निकाळवानो छे अने श षटकोणनो श मूकवानो छे। हवे नियम पांच तरफ आगळ वधीए। જોઈએ કે વિસર્ગ પછી ચ કે છ વ્યંજન આવે તો વિસર્ગનો શ બને, જ્યારે વિસર્ગ પછી ટ કે ઠ આવે તો વિસર્ગનો શ બને, જ્યારે વિસર્ગ પછી ત કે થ આવે તો વિસર્ગનો સ બને। આ તમારે ખાસ યાદ રાખવું પડે કે ચ ને છ હશે તો વિસર્ગના પછી કે જે વિસર્ગ છે એનો કયો શ બનશે, શરણાઈનો ષટકોણનો કે પછી સસલાનો, આ તમારે ખાસ યાદ રાખવું પડશે। તો ચ અને છ હોય તો શ બને છે, એ જ રીતે નિહી વત્તા ચિંત બરાબર નિશ્ચિંત, નિહી
વત્તા ઠુર, અહીંયા આપ્યું છે કે ટ કે ઠ આવે તો શ બને છે, તો એ જ રીતે નિષ્ઠુર. દુહુ વત્તા ટ, તો એ જ રીતે દુષ્ટ. અહીંયા વિસર્ગના પછી શું આપેલો છે ટ, અહીંયા આપણે જોયું ને કે ટ કે થ હોય તો દુષ્ટ, એ રીતે અહીંયા શ મુકાય છે. અંતઃ વત્તા તાપ, અંતઃ વત્તા તાપ, ટ આપેલો છે તો શું થઈ જશે, અંતસ્તાપ. અહીંયા કયો સ થશે, સસલાનો સ, તો આવી ગયો. હવે જોઈએ નિયમ છ. નિયમ છ એ છેલ્લો નિયમ છે, અહી આપણે સંધિપમ પૂર્ણ થશે. વિસર્ગ પછી શ, શ કે સ વ્યંજન આવે તો વિસર્ગ એમનો એમ જ રહે છે. વિસર્ગના પછી યાદ રાખો કે શ, શ અને સ, જો આ ત્રણ વ્યંજન આવે છે તો વિસર્ગ એમનો એમ રહે છે, એમાં કોઈ ફરક પડતો નથી. તો નિહિ વત્તા શંક, તો નિશંક. નિહિ વત્તા સંતાન, તો નિસંતાન. દુહ વત્તા સાધ્ય, દુસાધ્ય. દુહ વત્તા શાસન, દુશાસન. તો આ રીતે શ, સ કે શ આવે છે જો વિસર્ગના પછી, તો કોઈ ફરક પડતો નથી, એમનો એમ શબ્દ જોડાઈને મુકાય છે. એ જ જોઈ લઈએ કે નિહિ વત્તા શંક, તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે આવ્યો છે, તો આ વિસર્ગને નીકાળવાનો પણ નથી, આ શબ્દમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી, બંને વર્ણો એમને એમ આવે અને જોડાઈ જાય. તો નિહિ વત્તા શંક બરા નિશંક. તો અહીં વિસર્ગ સંધિના જે છ નિયમો છે પૂર્ણ થાય છે. ટૂંકમાં અહીં સંધિના બધા જ નિયમો આપણે જોઈ ચૂક્યા. સ્વર સંધિ અને વ્યંજન સંધિ. સ્વર સંધિમાં પણ બે પ્રકાર હતા, સજાતીય સંધિ અને વિજાતીય સંધિ. અને વ્યંજન સંધિના પણ નિયમો ઘણા બધા હતા, તે આપણે જોઈ ગયા છીએ. અને વિસર્ગ સંધિ એ છ નિયમો છે, બહુ સરળ છે. બીજા થોડા ઉદાહરણ તમે જાતે કરશો તો બહુ ઝડપથી આવડશે. અને નોટબુકમાં આ સંધિના બધા જ નિયમો તમારે સારા અક્ષરે લખવાના છે. તો હવે મળીશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વ્યાકરણના એક નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. થેન્ક યુ.